तो इस वीडियो में हम लैन मैन वैन के बारे में पढ़ेंगे। तो क्या होता है देखते हैं। लैन लोकल एरिया नेटवर्क होता है जो छोटी दूरी को कनेक्ट करने में काम आता है, जैसे स्कूल ऑफिस ये सब। इन सब ऑफिसों में या स्कूलों में लैन से कनेक्शन हम देते हैं। लैन में एक मास्टर कंप्यूटर होता है जिसे सर्वर कहा जाता है। लैन में एक मास्टर कंप्यूटर होता है जिसको सर्वर कहा जाता है, और अन्य कंप्यूटर जो कनेक्टेड होते हैं उनको डम कंप्यूटर बोलते हैं या उसको टर्मिनल बोलते हैं। सर्वर सभी टर्मिनल पर नियंत्रण कर, जो मास्टर कंप्यूटर होता है वो सभी जो डम कंप्यूटर होते हैं उन पर नियंत्रण रख सकता है। लैन में सभी कंप्यूटर ट्विस्टेड पेयर एंड कोएक्सियल केबल से कनेक्टेड होते हैं। लैन की जो केबल होती है उसको ट्विस्टेड पेयर बोलते हैं और कोएक्सियल केबल बोलते हैं। मैन क्या होता है? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क लैन से अधिक व मैन से कम होता है। ये लैन से थोड़ा सा ज़्यादा और वैन से थोड़ा कम दूरी पे नेटवर्क हम बिछाते हैं। मैन बहुत सारे लैन से मिलकर के बना होता है। इसका उपयोग जो है शहर में हाई स्पीड डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए किया जाता है। इसमें जो शहर होते हैं उसमें हाई स्पीड डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए मैन का ही उपयोग करते हैं। एग्जाम्पल हो गया टीवी, डिश टीवी, टेलीफोन नेटवर्क, ये सब मैन की एग्जाम्पल्स हैं। अब वाइड एरिया नेटवर्क क्या होता है? WAN, बहुत सारे लैन व मैन से मिलकर के बना होता है वाइड एरिया नेटवर्क। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या है? इंटरनेट। जो इंटरनेट हमारे पास आता है वो वाइड एरिया नेटवर्क की नेटवर्क से आता है। WLAN क्या होता है? ये वायरलेस एरिया नेटवर्क होता है। इसका फुल फॉर्म ऑफिस में बिना वायर के कनेक्ट करने की सुविधा प्रदान करता है। इसको हम वायरलेस एरिया नेटवर्क बोलते हैं। WLAN रेडियो वेव के आधार पे काम करता है। पैन क्या होता है? पर्सनल एरिया नेटवर्क, किसी एक पर्सन से कनेक्ट होते हैं। पैन में हम किसी एक पर्सन से कनेक्ट होते हैं उसको पैन एरिया नेटवर्क बोलते हैं। जैसे ब्लूटूथ हो गया, ब्लूटूथ एक बेस्ट एग्जांपल है पैन एरिया नेटवर्क का, जो रेडियो वेव पर काम करता है डेटा ट्रांसफर करने के लिए। अब कैन क्या होता है? ये कैंपस एरिया नेटवर्क होता है। इसको कैंपस एरिया नेटवर्क भी बोलते हैं, इसको कंट्रोलर एरिया नेटवर्क भी बोलते हैं, इसको क्लस्टर एरिया नेटवर्क भी बोलते हैं, इसको कॉरपोरेट एरिया नेटवर्क भी बोलते हैं। मल्टीपल लैन के द्वारा एक लिमिटेड एरिया में कनेक्ट होता है। ये लैन से ही बनता है लेकिन एक लिमिटेड एरिया में ही कनेक्ट होता है। ये वैन और मैन से छोटा होता है। जो कैन होता है ये वाइड एरिया नेटवर्क और मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क से थोड़ा सा छोटा होता है। सैन क्या होता है? सैन एक स्टोरेज नेटवर्क होता है जो कि मल्टीपल स्टोरेज डिवाइस को कनेक्ट करता है और मल्टीपल सर्वर के द्वारा एक्सेस किया जाता है। जो सर्वर्स होते हैं और सर्वर्स में जो डेटा स्टोर होते हैं उसको हम सैन बोलते हैं। सैन स्टोरेज को हम सैन नेटवर्क भी बोलते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे लैन कितनी डिस्टेंस तक वर्क कर सकता है? लैन जो है 2.5 किलोमीटर तक वर्क कर सकता है। लैन के अंतर्गत प्रिंटिंग वर्क के लिए किस सर्वर का यूज़ किया जाता है? लैन के अंतर्गत प्रिंटिंग वर्क के लिए किस सर्वर का यूज़ किया जाता है? प्रिंटर सर्वर का हम यूज़ करते हैं। डेटा ट्रांसफ़र की सबसे कम गति होती है, डेटा ट्रांसफ़र की सबसे कम गति वैन में होती है। सामान्यतः लैन की डेटा ट्रांसफ़र दर क्या होती है? लैन की डेटा ट्रांसफ़र दर क्या होती है? लैन की डेटा ट्रांसफ़र दर होती है 10 से लेकर 20 MBPS तक की इसकी स्पीड होती है। शहर में कौन सा नेटवर्क होता है? शहर में MAN मैन नेटवर्क होता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। राष्ट्रीय और इंटरनेशनल कनेक्शन क्षेत्र को जोड़ने के लिए कौन सा कनेक्शन यूज़ करते हैं? जो इंटरनेशनल कनेक्शन कनेक्शन को जोड़ने के लिए हम कौन सा नेटवर्क यूज़ करते हैं? WAN वाइड एरिया नेटवर्क हम यूज़ करते हैं। सो थैंक यू।